Yeah, Harshal. Hello. How are you? I am fine, sir. How are you? I am doing well, buddy. So, मेरा ये सवाल है कि मैं भी अभी होम किचन स्टार्ट करने का सोच रहा हूँ और मोस्टली क्यूजिन रहने वाला है बिरयानी. हाँ. बट मैंने जो थोड़ा बहुत रिसर्च किया उसमें ये फाइंड आउट हुआ कि जो लोकलाइज्ड है वो मोस्टली अभी 700 रुपए केजी के हिसाब से फॉर एग्जांपल चिकन बिरयानी बेचते हैं. बराबर. तो एक केजी बिरयानी में तकरीबन 5 से 7 लोग खाना खा सकते हैं. बराबर. हाँ, और जो उनका कंपैरिजन अगर बहरोज या बिरयानी बाय केजी से किया तो सेम प्राइस में 2 से 3 लोग का खाना होता है. सेम क्वांटिटी सेम प्राइस. बराबर बोला आपने, परफेक्ट है. किचन के लिए फिर होम किचन के लिए फिर मैं कैसे कर सकता हूँ वो थोड़ा सा कंफ्यूजन है, क्योंकि अगर एक केजी का जो अगर कैटरिंग के हिसाब से लगाया जाए या लोकल के हिसाब से लगाया जाए तो 1 केजी राइस और 1 केजी चिकन ऐसा वो पोर्शन रहता है. राइट. लेकिन उनका फिर पैकेजिंग वगैरह नहीं रहता, वो खुद कस्टमर मतलब मैंने जब मंगाया था वो लोगों से तो हमको एक पतीला मंगाया उन्होंने और उसी में उन्होंने सर्व किया था. एल्यूमिनियम का पतीला. हाँ, तो उस हिसाब से अगर होम किचन से करना है तो फिर कैसे कर सकता हूँ. देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. देखिए कैसा है, मार्केट में अभी ये जो बिरयानी दे रहे हैं ये मास में बिरयानी का स्टैंडर्ड प्राइसिंग है. 500 से 700 रुपए किलो है और आई थिंक 100 रुपीज में सिंगल प्लेट आता है. हाफ प्लेट कुछ 70 में आता है. वो जो आई थिंक दे माइट बी चिलिया और दे माइट बी चिलिया करके का भी ब्रांड है और नॉर्मल भी लोग बनाते हैं जो मासिस को देते हैं. तो वो एक वो कैसा हो गया, वो लोकलाइट खाना हो गया. तो आप अभी डिसाइड कर सकते हैं कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आप कौन से टारगेट क्लाइंटेल को देना चाहते हैं. और सिर्फ बिरयानी देने का जरूरत नहीं है, आप बिरयानी के साथ में कॉम्बो पैकेज भी कर सकते हैं. और प्लेट वाइज अगर आप देंगे ना तो आप 100-150 रुपए ले सकते हैं. वो जो 100 रुपीज और 700 का जो बिरयानी है ना वो मास का बिरयानी. अगर वो आप खाके देखे लाल लाल मसाला और सिर्फ चिकन के पीसीज आएंगे उसमें, ना कुछ ऐसा गार्निश रहता है, ना कुछ ऐसा बोलते हैं ना जो फ्लेवर्ड कुछ रहता है, मतलब स्पेशलिटी कुछ नहीं है. इट इज काइंड ऑफ लाइक अ रन ऑफ द मिल, पेट भरने के लिए जो खाते हैं अच्छा रहता है. होगी ना नहीं बोलूंगा. तो आपको आपका यूनिकनेस अगर क्रिएट करना है ना तो कुछ अलग बिरयानी में फ्लेवर निकालना होगा और फिर आप ज्यादा चार्ज कर सकते हो. जैसे कि पहाड़ी कबाब बिरयानी हुआ या फिर चिकन टिक्का बिरयानी हुआ. और होममेड बिरयानी जो रहती है ना वो ये लोकल बिरयानी से हमेशा अच्छी रहती है टेस्ट में, क्योंकि आप एकदम लिमिटेड बनाते हो ना ऑर्डर के हिसाब से. तो आप ज्यादा ले सकते हो. अभी हमारे ग्रुप में विजया जी है, शी चार्जेस अराउंड आई थिंक 1300 और 1400 रुपीज अ केजी. 1300-1400 रुपए केजी चिकन बिरयानी की बात कर रहा हूँ. आई थिंक 1000 से 1100-1200 या 1400 रुपए की चार्जेस. सो क्वांटिटी का सवाल नहीं है, बट वो उसमें बहुत सारे ड्राई फ्रूट डालते हैं या फिर बोलते हैं ना वो उसको एकदम अलग फ्लेवर उसका देते हैं. ये कैसे है, रन ऑफ द मिल बिरयानी है, इसके लिए ये 700 रुपए है. राइट राइट राइट. तो और टेक्निकली मैं आपको बोलू, 1 किलो आपको लगता है बट एक्चुअली है ना ये बिरयानी 2 किलो की पड़ती है. हाँ, 1 किलो चावल डालते हो, 1 किलो चिकन डालते हो और प्लस बाकी के साथ माल मसाला डालते हो, पानी डालते हो. तो एक्चुअल वेट जो है ना उसका वो 1.5 से 2 किलो के अंदर रहता है. और मुझे ऐसा लगता है कि अपन ने एक्चुअल वेट जो है वो भी एडवर्टाइज करना बहुत जरूरी है. अगर हम लोग 2 किलो दे रहे हैं एक्चुअल वेट, तो आपने अपना जो क्रिएटिव है उसमें एक्चुअल वेट भी लिखेंगे ना तो क्लाइंट बोलेगा अरे यार 2 किलो बिरयानी 1000 रुपए में आ रही है, मजा आ रहा है एकदम ऐसे. बिकॉज एक्चुअल वेट तो उतना ही है ना. राइट राइट राइट. तो भले आप बोलो कि 1 केजी बिरयानी अगर आप टैगलाइन दे दो क्योंकि वो नॉर्मल है, बट नीचे आप छोटे डालो एक्चुअल वेट इज 2 केजी. राइट. और आप यूनिक आइटम का टेस्टिंग करके वो यूनिक आइटम आप अगर सामने प्लेस करेंगे तो आपको रेट बढ़ा. देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल होम घर का बिरयानी थोड़ा महंगा ही रहता है. हाँ. और सेकेंडली अगर आप उसमें भी यूनिक कोई निकालेंगे, फॉर एग्जाम्पल फिश सुरमई का जो फिले रहता है, मतलब बोनलेस करके सुरमई का फिले का फ्राइड करके उसका बिरयानी बना सकते हो, प्रॉन्स का बिरयानी बना सकते हो, सी फूड बिरयानी बना सकते हो, मिक्स सी फूड बिरयानी.
या फिर आ, 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 बहुत जगह मैंने देखा है गोटाला बिरयानी, मतलब चिकन और मटन मिक्स करके भी बिरयानी बनाते हैं। दैट डिपेंड्स ऑन आपके क्लाइंट कैसे है और कैसे टाइप को चाहिए। मिक्स सी फूड बिरयानी भी बनता है, प्रॉन्स आ गया उसमें, ये आ गया, तो आप समझ रहे हैं ना बात को। ये जो अभी फिलहाल बेच रहे हैं ना, और बेरूस के देखिए, बेरूस ने क्या किया है, बेरूस ने पैकेजिंग में इन्वेस्ट किया है। तो आप अगर बेरूस का बिरयानी बनाओगे तो दो लोगों के लिए बिरयानी 550-600 रुपए की आएगी। वेट माइट बी अराउंड 400 ग्राम्स। मैंने मंगाया है, मेरे को टेस्ट में अच्छा नहीं लगा, बट वो बॉक्स बिक्स उनका वो स्टोरी विरी वो सब करके, बिकॉज बेरूस इज अ ब्रांड, वो लोग उतना एडवर्टाइज करते हैं, और बाकी टेस्ट में मजा नहीं आ रहा है मुझे, बट ठीक है अभी वो उनके लेवल पे है। बट एज अ होम बिरयानी आप हमेशा थोड़ा ज्यादा चार्ज कीजिए, बट रिच एक्सपीरियंस दीजिए उनको, राइट आप, तो फिर आपको मजा आएगा। हाँ हाँ, क्या क्या देने का क्या प्लान है आपका? सॉरी, और क्या क्या देने का प्लान है आपका अपार्ट फ्रॉम? मोस्टली मेरे दिमाग में ये पैकेज था कि बिरयानी के साथ सालन और रायता, और प्लस फिर पैकेजेस में ऐसा भी, फॉर एग्जांपल चिकन टिक्का यहाँ पे 250 या 350 रुपए तक 8 पीसेस आते हैं, तो उसका फिर एक पैकेज बना के 1200-1300 में 1 kg बिरयानी प्लस ये चिकन टिक्का वगैरह उसके साथ में डेजर्ट भी ऐड कीजिए, शीरकुर्मा या फिर सेवया खीर, और 1500 कर दीजिए। ओके, क्योंकि क्या होता है खाना खाने के लिए ना, एक पैकेज अगर वो देखा तो वो बोलेगे अरे, और जिसको सिर्फ बिरयानी मंगाना है उसको सिर्फ बिरयानी मंगाने दो, तो फिर क्या होता है कि वो बोलते, और क्योंकि बिरयानी के साथ में कबाब और खाने के बाद स्वीट तो लगता ही है ना, और रायता तो आप देने वाले, राइट, खाने के साथ स्वीट भी अगर आपने दे दिया 200-300 रुपए ज्यादा देके, मान लीजिए आपने 4 लोगों के लिए 4 बड़ा बड़ा वाटी भर के, या फिर एक बड़ा कंटेनर आपने खीर दे दिया, बढ़िया मस्त केसर वेसर लगा के, लोग बोलेंगे अरे यार मजा आ गया, क्योंकि स्वीट इज द नेचुरल कोर्स आफ्टर अ इंडियन मील। कुछ तो थोड़ा सा मीठा लोगों को लगता है, स्पेशली जब लोग बाहर से खाएंगे तो। देखिए अगर रेस्टोरेंट में अच्छा नहीं मिलेगा ना, तो रेस्टोरेंट में खाना खा के लोग बाहर जाएंगे और रास्ते पे कुल्फी खाएंगे, आपने देखा होगा कभी। Are you there? I think I lost you. अच्छा जी, हेलो, हाँ, क्या है मम्मी? आपने कभी देखा होगा कि रेस्टोरेंट में अगर स्वीट किसी ने खाया नहीं होगा ना, तो खाना खाने के बाद रेस्टोरेंट में, वेज रेस्टोरेंट नॉन वेज रेस्टोरेंट, बाहर आने के बाद लोग है ना स्वीट खाने के लिए ढूंढते कुछ तो, राइट, तो आइसक्रीम में जो खाएंगे किधर, तो रास्ते पे खड़े रहकर कुल्फी खाएंगे किधर, तो ऐसा मतलब मीठा पान खाएंगे, बिकॉज इंडियन का जो एंड है ना वो स्वीट होता ही है, स्पेशली तीखा वीखा खाने के बाद, तो आप वो भी इंक्लूड कर दो ना आपके पैकेज में, अपने को क्या फर्क पड़ता है। बराबर, तो बिरयानी कबाब और थोड़ा सा पापड़ वापड़ भी दे दो रोल करके, एक साथ 4-5 पापड़ दे दो, क्या जितना आप पैकेज में आइटम्स डालोगे ना उतना पैकेज बड़ा दिखेगा, कॉस्ट अपने को कम ही आने वाला है, कॉस्ट अपने को ज्यादा नहीं आने वाला है। सो चिकन बिरयानी या फिर चिकन टिक्का बिरयानी, अगर वेज है तो वेज में पनीर टिक्का बिरयानी, और उसके साथ में पापड़ सालन रायता व्हाटएवर, उसके बाद कबाब जो भी है कबाब के पीसेस, देन यू कैन क्रिएट डिफरेंट डिफरेंट कबाब आप बना सकते हो, या मिक्स कबाब का एक मिनी प्लेटर दे सकते हो, और साथ में वन कोर्स ऑफ शीर कुर्मा या फिर फिरनी या फिर सेवया खीर व्हाटएवर, या फिर रबड़ी मालपुआ जो भी आप दे सको, तो क्या होता है वो एक कंप्लीट पैकेज बन जाता है, एंड पीपल डोंट माइंड पेइंग अ लिटिल मोर फॉर पैकेज। राइट, बोलेंगे अरे सब एक साथ ही मंगाते, एक बार ही ट्राई करते चलो। आपके किचन का नाम क्या रखने का डिसाइड किया है? मोस्टली अभी तक फाइनल तो नहीं हुआ, बट पाटिल डेलिश बिरयानी करके ऐसा। हाँ, तो लोग बोलेंगे अरे एक बार है ना पाटिल डेलिश बिरयानी का वो मेगा पैकेज मंगाओ 1500 रुपए का, मस्त उसमें ना सब हो जाएगा, तो वो दोपहर में मंगाएंगे तो रात को भी वो खा सकते हैं, और खाने के बाद में जो एक सेटिस्फेक्शन आता है ना, क्योंकि मैं आपको अभी भी बोल रहा हूँ अगर आप स्विगी जोमेटो से 3-4 आइटम भी मंगाएंगे ना, तो 1000-1500 तो ऐसे ही हो जाता है। हाँ, आराम से होता है। हाँ, तो उससे अच्छा आपका पैकेज, आप वो पैकेज हिट हो जाएगा, गिविंग एवरीथिंग इन वन ना, वेर यू आर चार्जिंग 1500 इंक्लूडिंग एवरीथिंग, और क्वांटिटी भी है ना इनिशियली थोड़ा सा दबा के दीजिए, राइट, ऐसे तो आपका बिरयानी 2 किलो है मतलब 4 लोग तो खा ही नहीं पाएंगे सुबह 4, और एक फैमिली के अंदर रात को भी खाएंगे, और तो वो एक बार दबा के भी दिया ना, तो लोग बोलेंगे अरे यार ये पैकेज तो मस्त है,
ऐसे अगर आपको आपके पास 100 कस्टमर्स आ गए जो महीने में एक बार आपका वो पैकेज ऑर्डर कर रहे हैं, तो फिर आप आपका होम किचन क्लिक हो गया। राइट राइट राइट। बट सर ये 2 kg का अगर बिरयानी रहेगा तो उसके लिए फिर पैकिंग का कैसे करूं, क्योंकि क्वांटिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। नहीं, उसके लिए वो इसका कंटेनर आता है, बड़ा कंटेनर, बहुत बड़ा कंटेनर आता है, 1 kg का 2 kg का। आई थिंक इट कॉस्ट अराउंड 40-50 rupees। ओके ओके ओके। तो अपना टिन का, एल्यूमिनियम टिन का छोटा कंटेनर आता है ना 750 ml का, वो जो ओवल आता है वैसा बड़ा ना रेक्टेंगल कंटेनर आता है। ओके ओके ओके। हाँ, उसमें भर के दे देगा, उसमें आराम से 2 kg जाती है बिरयानी। तो फिर ओके, ओके, पतेले का टेंशन नहीं रहेगा वापस लेके आने का, लेके जाने का। राइट, ये ही भर के दे देगा। हाँ, मेरा थॉट ऐसा था कि जो प्लास्टिक के कंटेनर्स आते हैं ना, जिसमें मोस्टली स्वीट के शॉप्स में मिलते हैं अपन को, रसगुल्ला वगैरह पैक करके देते हैं, उसमें चालू था, लेकिन उसमें मेरे को आइडिया नहीं था कि उसमें 1-2 kg का भी आता रहेगा इतना बड़ा वाला। नहीं, 2 kg का बड़ा एल्यूमिनियम का कंटेनर आता है। ओके। हाँ, उसका लीड भी आता है बड़ा, और पूरा कंटेनर आता है वो, उसको सिर्फ लेके जाने के टाइम पे थोड़ा सा देखिए कैसा है, वो एक साथ रहेगा ना मस्त, उसको दबा के आप उसके ऊपर गार्निश वार्निश करके दोगे ना, तो जब भी वो रेस्टोरेंट घर में सब लोग के सामने खुलेगा ना, तो वो एक अलग एक्सपीरियंस आएगा। अलग अलग डब्बे में देंगे ना तो मजा नहीं आएगा। मतलब वो इट लुक्स वेरी क्लमजी, मतलब आप अलग 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 दे रहे हो, ये कैसा है एक बड़ा, अरे बाप रे इतना बड़ा भेजा, ऐसा आना चाहिए, वाव फील आना चाहिए, वाव। या तो मतलब एक ही कंटेनर में सबका सब पूरा का पूरा बड़ा कंटेनर आता है, बड़ा मतलब काइंड ऑफ एक 1.25 feet by 1.5 feet ऐसा बड़ा कंटेनर आता है, 40-50 कंटेनर आता है, कंटेनर वाले के पास ही मिलता है वो। ओके ओके ओके, चलेगा चलेगा सर। हाँ, गो फॉर इट, चालू कर दीजिए, जमेगा आपका। अभी दिवाली आ रहा है, दिवाली सीजन है। Hi, this is Gopal Kamat and I hope you are loving the content in the videos. These are actually short clips from our mastermind sessions from my coaching program, where actual people who are working on their food businesses are asking me questions and I'm answering them. So if you love the content, I would request you to first subscribe to this channel, because this channel will have all the things required for you to start your own food business. Subscribe to the channel, share it with your friends, and press the bell icon so that whenever I come up with something new, you will get to know about it as soon as possible. Secondly, if you are really serious about starting your food business, I strongly urge you to go to www.gopalkamat.in and sign up for my RLF coaching program. Now, this is not a normal video coaching program or a normal coaching program. This is a lifetime coaching program where you get a step-by-step video course on how to start your own food business. Along with that, each week on Tuesday or whichever date, I come live face-to-face with you and I talk about how to start, or where you are getting stuck, I answer your questions about starting a food business. So a lot of people are selling courses, but they don't give any support. But for me, this is a lifetime mission. My mission, if you know, is to create 1 million successful food businesses all around the world, and food business owners, successful food business owners. And you please help me to do that. So if you're really serious about starting your food business, click www.gopalkamat.in. Check it out. There is a nominal fee and it is a one-time fee where you can pay. You can get the course as well as my lifetime support. And this will help you immensely to start your own food business. If you know, I'm a hotel business owner myself. I have 3 restaurants and a resort. So this is what I'm doing. And Get Your Restaurant YouTube channel as well as my coaching program is a way of me giving it back to the society. Whatever I have learned, whatever trials and errors, whatever experience I have, so that people who start their businesses become successful as fast as possible without making any mistake, without losing a lot of money, and without doing any trials and errors. So keep watching the videos, subscribe to the channel, press the bell icon, share this video and the channel with your friends and family or whoever wants to start. And if you are really serious, join my RLF coaching program. Thank you so much. Love from me. Bye-bye.